आप अपने घर पर गैस यूज करते होंगे, गैस सिलेंडर का क्या रेट है सर? आपके घर कितने का आता है? 1000 का आता है। 1000 का जी। पेट्रोल 100 के पार? हाँ, डीजल भी लगभग लगभग इतना ही है, 90 का डीजल भी। अच्छा सर, वो रिफाइंड तेल का क्या भाव चल रहा है? कौन से वाले का सर, जो यूज करते हो आप वही बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं तो जो शुरू से करता हूँ वो थोड़ा कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि ऑलिव का यूज करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, महंगे वाला यूज करते हैं सर आप। कड़वा तेल की बात करोगे तो 220 के आसपास है। 220 के आसपास? इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हैं सर आप? 220 के आसपास है, मैं इसलिए पूछ रहा था। आप कह रहे थे ना महंगाई नहीं है। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, ये चुनाव में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ते, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव तो हमेशा ही चलता रहता है हमारे देश में, हमेशा पांचों साल चुनाव चलता रहता है, तो इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं होता। चुनाव से कोई लेना देना नहीं? तो 4 नवंबर 2021 से पेट्रोल के दाम स्थिर हैं, 2.5 महीने से, और 50 दिन में $20 महंगा हुआ है कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार। 50 दिनों में $20। ये है कि 6% से ऊपर इन्फ्लेशन की दर नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो आप लोगों के हाथ में ही नहीं है ना पेट्रोल डीजल के दाम, जैसे आपके नेता बताते हैं कि है। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि 6% से ज्यादा रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं जाए, उसके लिए जो करना है वो करेंगे। नहीं नहीं, तो फिर आप कैसे कर लेंगे, क्योंकि आपके हाथ में तो है ही नहीं पेट्रोल डीजल के दाम। फिर करेंसी प्रिंट करके, चाहे वो डॉलर को बेचकर, चाहे पेट्रोल को एक स्थिर स्थाई रखकर, जो कुछ भी हो वो करके इन्फ्लेशन की दर को 6% पे सीमित रखेगी, ये बात है। गुरेश जी, सबने सुना आपने कहा कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का कोई लेना देना नहीं है, ये तो आप लोगों के हाथ में भी नहीं है, इसलिए 2.5 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। अब मेरा एक सवाल खड़ा होता है, सवाल यहां पर ये कि जब बंगाल के चुनाव थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव 2021 में, आचार संहिता से पहले 15 दिनों में 11 बार पेट्रोल के दाम बढ़े। 2021 में आचार संहिता से पहले पेट्रोल डीजल के दाम 15 दिनों में 11 बार बढ़े। चुनाव के 36 दिन के दौरान चार बार दाम घटे। नतीजे आने के बाद 15 दिनों में 8 बार दाम बढ़ गए। यह भी इत्तेफाक था? नहीं, इत्तेफाक नहीं था। देखिए, उस समय यह था कि आचार संहिता से पहले जो इंटरनेशनल हाइक हुआ था, और उस समय हम कोविड से धीरे धीरे निकल रहे थे। देखिए कितना दिलचस्प है ना, बिहार चुनाव 9 सितंबर 2020 दिल्ली में ₹82.08 प्रति लीटर दाम पेट्रोल का। आचार संहिता लागू होने से पहले 6 बार दाम कम हुए। 25 सितंबर से 10 नवंबर तक पेट्रोल के दाम स्थिर रहे। यह भी इत्तेफाक था जी। आप देखिए, चुनाव की बात करोगे ना तो हिंदुस्तान में हर समय साल भर और पांचों साल चुनाव चलते रहते हैं, तो दोनों के बीच में कोई लिंकेज होता ही नहीं है। 7 मार्च के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, मतलब चलिए 10 मार्च लगा लीजिए सर, 10 मार्च के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या नहीं? हाँ, क्या लगता है आपको? आप देखिए, अगर यूक्रेन की जंग वगैरह नहीं होती है तो चीजें संतुलित रहेगी। यूक्रेन की जंग है, गुलरेज जी संसद में संबोधित कर रहे थे, वो बता रहे थे नेहरू जी का कोई भाषण था जो लाल किले से दिया था उन्होंने, तब बताया था कि कोरिया में जंग हो रही है और यहाँ पर दाम महंगे हो रहे हैं। आप वही वाली बात कर रहे हैं शायद? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, आपने केवल अच्छा, पेट्रोल की बात की है। कि मनमोहन सरकार का आप जिक्र कर रहे थे, 2014 का आंकड़ा देख रहा था, पेट्रोल के दाम ₹71.52 अब कई राज्यों में 100 के पार। तो क्या आप जो अपना एनुअल या फिर महीने का जो बजट बनाते हैं केवल पेट्रोल ही यूज करते हैं? 14 से पहले ये वाला इन्फ्लेशन क्यों नहीं समझा देते कि बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल इतने बार उतने बार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब आएगी मोदी सरकार। गुलरेज जी, एक और खुशखबरी दूं, अखबार की सुर्खियां पढ़ के सुनाऊं? मुझे दिख नहीं रहा, मैं पढ़ के सुना देता हूं। झटका, बेकाबू हो रहा खाद्य तेल, इस साल कीमतों में रिकॉर्ड तेजी। पेट्रोल डीजल की मैं बात कर रहा हूं, यहां तो खाद्य तेल रिकॉर्ड तेजी। अब क्या रिकॉर्ड तेजी? खाद्य तेल की बढ़ रही कीमतों से महंगाई को थामने के प्रयास को खतरा। क्या खतरा? सफेद सरसों 2021 में
149 रुपए और अब 199 रुपए। आप कह रहे हैं कि खाद्य तेल, यहाँ तो खाद्य तेल भी महंगा है सर, आप इसमें से कौन सा इस्तेमाल करते हैं ये भी बता दीजिए। रिकॉर्ड तेजी हुई एडिबल खाद्य तेल में, रिकॉर्ड तेजी हुई, लेकिन बाकी जो खाने पीने की चीजें थी उसमें रिकॉर्ड गिरावट हुई। करने लगता है आपको महंगाई वहंगाई कोई मुद्दा है? कितना बोरिंग टॉपिक है। ऐसा होता कि अभी हिजाब पर डिस्कशन हो रही थी, गुर्रेश शेख यहां से ललकार रहे होते, संजीव चौधरी वहां से ललकार रहे होते। ये तो बहुत बोरिंग विषय है महंगाई की, नहीं सर? देखिए महंगाई कैसा विषय है जो हर आदमी सोचता है और सोचने के बाद ही वोट देता है। यदि उसका एनुअल बजट, अच्छा, महंगाई पर वोट डालता है, पब्लिक वोट डालती है महंगाई पर, लगता है आपको? मुझे तो लगता है, लगता है। मुझे तो लगता है यदि आदमी की जेब में पैसा नहीं होता तकलीफ होती है उसको।